आज जनपद कासगंज में जिलाधिकारी कासगंज के नेतृत्व में बूढ़ी गंगा जो कि विलुप्त हो चुकी थी उसकी साफ सफाई के लिए नई पहल का शुभारंभ राज्य मंत्री संदीप सिंह के द्वारा कराया गया, जो सुबह हवन यज्ञ करने के बाद हजारों मजदूरों के साथ 25 जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। आपको बताते चले कि लगभग 400 साल पहले पतित पावनी माँ गंगा की धारा मानपुर नगरिया के पास से होकर गुजरती थी, जो कि समय बीतने के साथ साथ कचला गंगा घाट से होकर बहने लगी। जब इसकी जानकारी विगत महीनों में आए हुए जिलाधिकारी को ज्ञात हुई तो जिला के अधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रशासनिक टीम के साथ मनरेगा योजना के माध्यम से उसकी योजना की तैयारी कराई। फलस्वरूप आज सुबह 7 बजे जिले के सभी आलाधिकारी बूढ़ी गंगा के आंचल में निश्चित किए गए पॉइंट पर पहुंच गए। बूढ़ी गंगा की कुल लंबाई कासगंज जनपद क्षेत्र में 118 किलोमीटर के दायरे में आती है। 118 किलोमीटर के दायरे में 60 ग्राम पंचायतों के 25 नियत किए गए, जिन स्थानों पर 1,48,000 कुल मजदूरों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार भी मिलेगा। अगर योजना सफल होती है तो 7500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बूढ़ी गंगा की सफाई के बाद गंगा का पानी तो बूढ़ी गंगा में नहीं आ सकता, लेकिन जनपद से बहने वाली गंग नहर कैनाल से बूढ़ी गंगा में जल प्रवाहित किया जाएगा, जिससे जनपद की 7 ग्राम पंचायतों के लगभग 7500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी, जिससे सूखे पड़े क्षेत्र में फिर से हरियाली हो जाएगी। साथ ही साथ मनरेगा योजना के अंतर्गत 1,48,000 मजदूरों को भी अपना रोजगार मिल पाएगा। गंग नहर से बूढ़ी गंगा में पानी छोड़ने के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई से भी बात की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द गंग नहर का पानी बूढ़ी गंगा में छोड़ा जा सके। जिलाधिकारी जी के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल करी गई है और जिस तरह से बूढ़ी गंगा का पुनः जीर्णोद्धार का आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और ये 400 वर्ष पुरानी बूढ़ी गंगा जिसको आज यहाँ दोबारा से पुनः जीवित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। 60 ग्राम पंचायतों में 25,000 से भी अधिक लोगों के द्वारा इस शुभ कार्य का आयोजन किया गया है, जिसमें 18,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और 30,864 परिवारों को इसके द्वारा बूढ़ी गंगा के द्वारा लाभान्वित भी किया जाएगा। कितनी भूमि को सिंचित किया जाएगा इससे? लगभग कितने 7,500 हेक्टेयर भूमि है जिसको इस योजना के द्वारा सिंचित किया जाएगा। कितने दिनों में कार्य पूरा किया? ये 6 महीने की इसकी पूरी कार्य की अवधि रखी गई है और प्रयास किया जाएगा कि ये कार्य 6 महीने के पहले पूरा किया जा सके। जैसा कि गंगा कैनाल से इसमें पानी लाया जाएगा, इसके लिए क्या प्रयास होंगे शासन स्तर से? शासन स्तर से जो भी उचित प्रयास है उसको सिंचाई मंत्री जी के द्वारा स्वयं में मिल करके बात कर लूँगा। जो भी इसमें अगर कोई भी अड़चन आएगी उसको जल्द से जल्द दूर करने का काम किया जाएगा। शासन द्वारा पूरा सहयोग करके इसको इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। क्या मनरेगा के अलावा सिंचाई विभाग भी इसमें सम्मिलित रहेगा? नहीं, सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम में इस योजना में सम्मिलित नहीं है।